हमारी बहुत बड़ी जीत सबसे पहली है कि वो जो 400 का आकलन बोल रहे थे वो आज झूठा साबित करके राहुल जी ने दिखा दिया। राहुल जी ही ना, सिर्फ अखिलेश जी ने और पूरा एनडीए, एक साथ जो अलायंस था, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो अलायंस था हमारा, उस बात को जनता ने नकार दिया और संविधान को सर्वोपरि मान करके वोट किया है। अगर वोट का क्राइटेरिया ही आपके नेता के पैमाने होते हैं कि ये बड़ा नेता है ये छोटा नेता है, तो फिर जनता ये भी मानेगी कि अगर मोदी 50,000 वोट से जीत रहा है और अमित शाह 3,00,000 वोट से जीत रहा है, इसका मतलब उसका 6 गुना बड़ा नेता अमित शाह है। या हमारे जो कांग्रेस की, मान लीजिए कहीं से कोई 150-1.5 लाख वोट से जीता है, वो मोदी से 3 गुना बड़ा नेता है। राहुल गांधी के लिए आया, सिर्फ उसका टैटो भी बना वाला हमें, परमानेंट टैटो राहुल गांधी का। तो सर आप कहाँ से आए? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम बंटी खान है, मैं प्रदेश का कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ और इस वक्त यहाँ दिल्ली चुनाव के नतीजे को देखने अपनी आंखों से आया था। तो सर आप छत्तीसगढ़ से दिल्ली कांग्रेस कार्यालय आए हुए, तो सर यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय का माहौल कैसा लगा? काफी उत्सव हो रहा है यहाँ पर, काफी उत्सव मनाया जा रहा है, ढोल बज रहे, मिठाइयाँ वगैरह, राहुल गांधी भी सुबह यहाँ पे आकर के गए, तो कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? देखिए, हम सब लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि जिस तरीके से देश के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के चुनाव प्रणाली पे पिछले विगत 2 लोकसभा चुनाव में, मैंने 10 सालों से जो सवाल उठ रहे थे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब कभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब कभी भी सवाल उठते हैं, जनता यदि किसी बात को लेकर सशंकित होती है, आशंकित होती है और उस पर क्वेश्चन उठता है, तो ऐसी स्थिति में उन चीज़ों पर कार्रवाई होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हिटलर के अनुयायी इस सरकार में कोई भी बात जनता की नहीं सुनी जा रही थी। जिस तरीके से मीडिया एक तरीके से हाईजैक था, जैसा आकलन बता रहे थे, तो उस हिसाब से हम लोग कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर से यहाँ पे आए हुए थे कि नतीजा जो भी आए, जनता जो फैसला देगी, हम उसको अपने सिर आँखों पर रखेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हम एक हैं राहुल जी के पीछे, राहुल जी के नेतृत्व में बड़े मुद्दों के साथ देश के अंदर फिर से लोकतंत्र को स्थापित करने, देश के अंदर अपने संविधान को बचाने, देश के अंदर युवाओं की बातों को फिर से उठाने, उनके रोजगार की बातें, महिलाओं के सम्मान की जो बातें थी, उनको आर्थिक सशक्तिकरण की जो योजनाएं राहुल जी लेकर के आए, किसानों के हित की जो बातें हुई, अग्निवीर के संबंध में जो राहुल जी के जो मुद्दे थे, इन सब मुद्दों के साथ हम जो चुनाव लड़े हैं, उस चुनाव का परिणाम देखने देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी उम्मीदों के साथ हम भी आए हैं। तो सर ये जो अभी जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, नतीजों में अभी भी एनडीए की बढ़त दिख रही है, तो सर क्या लगता है राहुल गांधी का जो एक दावा था 295, क्या लगता है वो आंकड़ा छू पाएगी या नीचे रह जाएगी या फिर 295 पार कर जाएगी? देखिए, उम्मीदें तो हमें अभी भी है क्योंकि अभी तक काउंटिंग चल रही है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार आ सकती है, परंतु इन चीज़ों का मैंने चिंता वो करे जिसको सरकार की आड़ में बैठ करके दलाली करना है। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लड़ते हैं अपने सिद्धांतों पे, जो गांधी जी के सिद्धांत हैं, अहिंसा के जो सिद्धांत हैं, जो सरदार पटेल जी ने, जो नेहरू जी ने, जो इंदिरा जी ने, जो राजीव जी ने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया, हम उस सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं और हमेशा अपनी बात मजबूती से रखते हैं। हमें संविधान को बचाना था, हमें इस मोदी सरकार को पलटना था। इन सब के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अंदर मैं भी था और अभी बहुत से मीडिया के लोग बात कर रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी जीत सबसे पहली है कि वो जो 400 का आकलन बोल रहे थे वो आज झूठा साबित करके राहुल जी ने दिखा दिया। राहुल जी ही ना, सिर्फ अखिलेश जी ने और पूरा एनडीए, एक साथ जो अलायंस था, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो अलायंस था हमारा, उस बात को जनता ने नकार दिया और संविधान को सर्वोपरि मान करके वोट किया है। इन सब के साथ आप ये भी देखिए कि अभी जो चर्चा हो रही है वो खतरे में मोदी जी की खुद की अपनी सरकार है, और उन सबके बाद भी यदि उनकी सरकार बनने की स्थिति में आती है, तो जो राहुल जी बोल रहे थे कि मोदी नहीं बनेगा, वो स्थिति आज चर्चा में चालू है। हर कोई बोल रहा है कि मोदी के साथ तो कम से कम अभी जो बड़े अलायंस हैं वो तो नहीं जा रहे, तो मोदी का भी रुकना जरूरी था। मोदी अपने आप में बीजेपी से ऊपर था, मैं खुद अपने आप विज्ञापन देखता था भास्कर में या जो हमारे यहाँ के मुख्य बड़े पेपर्स हैं, उसके फ्रंट पेज में फुल पेज के पेपर्स के फोटो आते थे, कोने में कहीं पे छोटा सा कमल होता था और भाजपा का नाम तो बड़े मुश्किल से खोजने पे मिलता था और हर जगह लिखा रहता था मोदी है तो मुमकिन है, तो देश मोदी के इशारों पे नहीं चलता, ये जनता ने दिखा दिया। ठीक है, सरकार बने, अगर ईश्वर करे बन जाए, अच्छे हाथों में सरकार चले, जनता का भला हो, परंतु यदि नहीं भी बनता है तो हतोत्साहित या
नेगेटिव मेंटालिटी के हम नहीं है, फिर से संघर्ष करेंगे। राहुल जी के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। देखिए ये इस मामले में मैं व्यक्तिगत, मेरी सोच थोड़ा सा अलग है। नतीजे में हार या जीत किसी के कद को बताने के लिए सिर्फ एकमात्र पैमाना नतीजा ही नहीं हो सकता। हारने के लिए बड़े अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं, हारने के लिए इंदिरा जी हारी हैं, हारने के लिए हमारे राहुल जी हारे हैं। तो अगर मोदी पीछे, हाँ उनके लिए ये सीख है कि शुरू के अगर चार चरण पाँच चरण में पीछे आगे चलते रहे तो किसी को नीचा ना दिखाएं। तो अगर दूसरों को हमेशा ये हंसते थे या बोलते थे, वो सब अपने वीडियोज निकालें और ये देखें कि पाँच चरण तक वो पीछे चल रहे थे। तो जीत और हार जो आखिरी में आता है रिजल्ट, लेकिन पीछे चलना और आगे, भाई चुनाव है, जीत और हार हो सकता है, कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है। मैं स्मृति ईरानी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत डंके की चोट पे उनके और उनके कार्यकर्ता राहुल जी को हराने के बाद 25-50 हज़ार वोट से। तो अगर ये माने कि अगर 50 हज़ार से मोदी जी जीत रहे हैं और 4 लाख 3 लाख से अमित शाह जीत रहे हैं, तो अमित शाह उससे 6 गुना बड़ा नेता है। अगर वोट का क्राइटेरिया ही आपके नेता के पैमाने होते हैं कि ये बड़ा नेता है ये छोटा नेता है, तो फिर जनता ये भी मानेगी कि अगर मोदी 50 हज़ार वोट से जीत रहा है और अमित शाह 3 लाख वोट से जीत रहा है, इसका मतलब उसका 6 गुना बड़ा नेता अमित शाह है। या हमारे जो कांग्रेस की मान लीजिए कहीं से कोई 150-150 लाख वोट से जीता है, वो मोदी से 3 गुना बड़ा नेता है। नेता नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी बातें पड़ी है। तो हार जीत का अगर 25,000-50,000 से तुम हार रहे हो या तुम जीत रहे हो, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। जनता है, वोट दी, कोई चीज कभी कोई पसंद आ जाता है तो देती है। हाँ ये जरूर है कि जब सवाल उठने लगे कि ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठे, तो उन सब चीजों को वक्त रहते ही उसका निराकरण होना चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। कि अगर एक व्यक्ति के कहने पे माँ सीता पे भगवान राम जी ने, जब माँ सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती, जबकि पूरा देश दुनिया हर एक व्यक्ति माँ सीता की पवित्रता पे कोई नहीं बोल सकता, लेकिन यदि एक व्यक्ति ने थोड़ा सा सवाल कर दिया तो भगवान राम ने उनकी अग्नि परीक्षा कर ली। और हम आधे आबादी देश की चिल्ला रही है कि ईवीएम पे हमें शक है, ईवीएम पे, तो कैसा राम राज्य है कि जनता चिल्ला रही है और उस सीट पे सवाल पे कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती है, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। यही तो ताना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग हमेशा ये इस बात का दावा करते हैं कि ये जो संघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, ये हिटलर के अनुयायी हैं। आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद से, तेलंगाना से आया। मैं तेलंगाना से दिल्ली आए। हाँ दिल्ली आए। तो सर क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में पहले जेडीयू के नेता नीतीश कुमार रह चुके हैं, तो चुनाव के नतीजों के बाद क्या वो इंडिया का साथ देंगे? अभी मेरे ख्याल से उन्हें कंपलसरी देंगे बोल के हम सोच रहे हैं। उन्हें तो सपोर्ट कर, राहुल जी को सपोर्ट करता है, उन्हें जीते तो अभी। अरे हमारे टीडीपी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश टीडीपी है ना, चंद्रबाबू नायडू, उन्हें भी साथ देते राहुल जी का। मोस्टली 99% राहुल जी आने का बहुत ही उन्हें आ जाता जीत, राहुल जी कांग्रेस पार्टी आ जाता। तो यहाँ जो आए हैं आप दिल्ली, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय का माहौल? अभी तो अच्छा है, अभी जोश दिख रहा, अभी थोड़ा लीडिंग चल रहा ना, थोड़ा आगे पीछे हो रहे, मगर कंपलसरी राहुल जी तो आते हैं डेफिनेटली। द अदर पार्टीज भी सपोर्ट देते राहुल गांधी को, अभी इवनिंग तक देखेंगे, इसलिए वेट कर रहे हैं हम लोग भी इधर। फिर यहाँ से कहाँ जाना? मैं यहाँ से घर को जाता हूँ, तेलंगाना को जाता हूँ। तेलंगाना, फिर यहाँ से फिर तेलंगाना वापस? ओनली राहुल गांधी के लिए आया, सिर्फ उसका टैटू भी बना वाला मैं, परमानेंट टैटू राहुल गांधी का। थोड़ा टैटू दिखा दीजिए। राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है कि आपको राहुल गांधी काफी अच्छे लगते हैं? आना भैया, कहीं को बोला तो हमारा युवा को बहुत आइडिया, उसका एजुकेशन आइडियोलॉजी बहुत अच्छा है। अभी देश पूरा बहुत खराब हो गया ये 10 साल से। हम 5 महीने से घर को भी नहीं जाए, मेरे मम्मी को नहीं देखा, मेरा फैमिली को नहीं देखा। 5 महीने से ऐसा फिरते रह रहा है सर, 12 जोड़ा यात्रा से दिल्ली को तेलंगाना को, दिल्ली को तेलंगाना को मीटिंग रहता कदम बाग के आ रहा उधर से। कंपल्सरी राहुल जी आए तो हम देश अच्छा रहता, नहीं तो युवा को पूछेंगे, नहीं तो गंजाई शराब गिराब पी के ऐसे देश पूरा सत्यानाश हो जाता। कंपलसरी राहुल जी आना, उन्हें आए तो देश अच्छा रहता, अच्छा पढ़े लिखना अच्छा रहता। तो सर 2024 में किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए मैं राहुल जी का फैन हूँ।